हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेवी रॉक सीम्स। देन यहाँ पर मेजर लीग सॉकर का मैच हो रहा है 2 बजे। भाई साहब 2 बजे अभी, मतलब रात के सीटल साउंडर्स वर्सेस स्पोर्टिंग कैंसस सिटी के बीच। अच्छा मैच है, अगर आप खेलना चाहें खेल सकते हैं। बाकी मैं नहीं खेलूंगा ये वाला मैच, क्योंकि यार आज मैं 12:30 तक ही कवर कर रहा हूँ, 12:15 तक, क्योंकि आज बहुत मैच थे। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की। स्पोर्टिंग में और सीटल साउंडर्स के अंदर SS टीम बहुत तेज़ है। SS मींस उनके होम में मैच है सबसे पहले तो, ठीक है, और सीटल साउंडर्स टीम अवे में भी कर रही होती मैच तो भी उनका जीतना तय था। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्राइकिंग की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, मैं इतना मतलब टाइम हो गया मेरे को कवर करते हुए, आप ये लगा लीजिए काफ़ी टाइम से इनका रूडीज़ खिलाड़ी नहीं आ रहा, बट रूडीज़ की जगह पर जो गोल कर रहा है वो कौन है? वो है आपका एफ मोंटेरो। आई डोंट नो 30 अप्रैल के मैच में इसको क्यों नहीं खिलाया गया, सच्ची में मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि मैं टीम बनाकर, मैंने वीडियो बनाकर मैं सो गया था गाइस, क्योंकि उस मैच में सुबह का मैच मैंने नहीं खेलना था। आई डोंट नो क्यों नहीं खेला ये खिलाड़ी। तो बाद में एक और मैच हुआ था मई में, अभी इसी महीने कुछ दिन पहले, फिर भी इसने 2 गोल कर दिए। अब समझ नहीं आ रही मोंटेरो को खिलाओगे कब भाई। आज मैं 2 बजे तक जागूँ, अगर मेरा बस चले सच्ची जागूँगा खेल रहा है कि नहीं, क्योंकि 1 घंटा पहले लाइनअप्स आ जाएंगी, क्योंकि मैं ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहता। और हैबर की बात करें, हैबर जो है ना जस्ट एक नॉर्मल प्लेयर है। जे मॉरिस से उसका कंपैरिजन मत करो, मैं फिर बता रहा हूँ, हैबर अपनी जगह बेस्ट है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जे मॉरिस आ जाता है बाप प्लेयर, और मोंटेरो तो खतरनाक, वो भी डेंजरस। ठीक है, आगे से बात करें ऑपोजिशन टीम की, लोग पागल हैं, लोगों को लेने दो, विलिया गाड़ा को लेने दो, जो लेगा हारेगा, मेरे को क्लिक के दे देता हूँ। आपने किसको लेना है? रसल को, जे रसल लेना है आपने, ये आपको जिताएगा आज का मैच। अगर भगवान से कहो अगर स्पोर्टिंग का गोल होना ही है तो ये करे, या तो हो ही ना, अगर होना है तो ये करे। ठीक है, आगे से अगर बात करें, देखिए मैं आपको लास्ट मैच में एक होती चीज़ बताता हूँ। लास्ट मैच में मैंने बहुत कुछ एक अप एंड डाउन्स देखे SS टीम के। SS टीम का एक लो स्क्वाड उतारा गया था, लाइक ये प्लेयर आप देख रहे हैं ये खेला था, उसके बाद ये खेला था, तो आपके नाम ही नहीं सुने होंगे, डॉबलर वगैरह, आर बेकर, वाइटिंग, मतलब आप हैरान हो रहे होगे। अब आज कौन खेलता है? सबसे पहले तो एक और रोल्डन को लो, क्योंकि सी रोल्डन को पहले अभी आप सेव करो, उसके बाद लिडीरियो वगैरह को भी मत लो अभी, आप ड्रॉपआउट सेक्शन पर रख कर किसको लो? सबसे पहले इस खिलाड़ी को लो जिसका नाम है एथन डोबलर। ज़बरदस्त गेम प्ले लास्ट मैच में, ज़बरदस्त गेम प्ले, आप हाईलाइट्स जाकर देखिए लास्ट मैच की, आप बोलोगे क्या खेला है। 5 गोल किए थे इस पूरी टीम ने, और जिसमें से 1 गोल इसका था, 1 असिस्ट इसकी थी। ठीक है, और बात करें डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग के अंदर ए रोल्डन और वाई गोमेस तो देखिए आपका मेन प्लेयर है ही, एंड टोलो अगर खेलता है तो एक अच्छा गेम प्ले हो सकता था, लेकिन वो काफ़ी टाइम से इंजर्ड है, जिस कारण हमें केयर ऑफ को लेना पड़ेगा। एंड केयर ऑफ के बाद जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर्स हैं वो कोई भी नहीं बचे, क्योंकि मैं किसी और को ट्राई नहीं करना चाहता हूं, और मैं लेना भी नहीं चाहता था वैसे, मेरे 7 प्लेयर पूरे हो चुके हैं। बात करें गोलकीपिंग की, तो यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर जॉन को नहीं खिलाया गया, जबकि जॉन इनका मेन खिलाड़ी है। इन्होंने मीलिया को खिलाया क्योंकि वो इंजर्ड है, अगर गोलकीपर को हल्की सी भी इंजरी होगी तो वो रेस्ट में चला जाएगा। एंड आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर है थॉमी, तो आप देखिए थॉमी को अगर लेना चाहें ले सकते हैं। थॉमी को आप एक बार लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस खिलाड़ी को मत छोड़ना जिसका नाम है डैनियल सेलोई। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आप एक बार थॉमी को छोड़ के कोई और बंदा ले लोगे तो चल जाए, शायद आप जीत जाओ, लेकिन आप सेलोई को छोड़ते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। बात करें कैप्टन की, देखिए मेरा कैप्टन है जे मॉरिस, मेरा वाइस कैप्टन है मोंटेरो, और मान लीजिए आज के मैच के अंदर मॉरिस नहीं खेलता, फिर आपने अपना कैप्टन किसको रखना है? आपने अपना कैप्टन रखना है मोंटेरो को, और अगर मोंटेरो नहीं खेलता तो आपने अपना वाइस कैप्टन रखना है दूसरे स्ट्राइकर को। तो ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।